नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर के सार्वजनिक स्थानों, होटलों, ढाबों का निरीक्षण किया। शनिवार की शाम पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार, एसपी सिटी पंकज पांडे, सीओ सिटी हीला मारन जी के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ नगर के रोडवेज, बस स्टॉप और बसों में जाकर के चेकिंग की गई। इसके बाद नगर के होटलों और ढाबों में और रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि इस पूरे चेकिंग अभियान के दौरान कहीं से भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु बरामद नहीं हुए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का यह दावा है कि त्योहारों को लेकर के पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है और त्योहारों को सकुशल तरीके से संपन्न कराना ही आजमगढ़ पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। शाम की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सांसद से आए हमारे और कोतवाली फोर्स के साथ सिटी के महत्वपूर्ण पॉइंटों पर फ्लैग मार्च किया गया है और सुबह पुलिस और डाक स्क्वाड के साथ बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी निरीक्षण किया गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।